बताने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि आपको अपने जो है पहले से लॉगिन किसी भी ईमेल आईडी को हटाना होगा। तो यहाँ से साइन आउट तो हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ से रिमूव एन अकाउंट पर क्लिक करके इस पर माइनस वाले पर क्लिक करके इसको यस रिमूव करेंगे तो ये हट जाएगा। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक यहाँ क्रिएट नहीं आएगा। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो माई सेल्फ के लिए आ रहा है, माई चाइल्ड के लिए आ रहा है एंड माई बिजनेस के लिए आ रहा है। आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हैं? तो अगर आप माई सेल्फ कर देंगे तो आप स्वयं अपने के लिए बना लेंगे, अगर माई चाइल्ड कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो लड़का या बच्चा इस ईमेल आईडी को यूज करेगा तो विदाउट आपके परमिशन का वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अर्थात आप जो सिक्योरिटी सिस्टम देंगे उस पे जब तक ओटीपी नहीं जाएगा और तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। और माई बिजनेस है तो आप पर्सनल यूज ही कर सकते हैं। तो मैं माई सेल्फ पे जाता हूँ तो यहाँ से आपको सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम एंड देखो @gmail.com पहले से यहाँ ऐड है। यहाँ आपको सिर्फ अपना नाम ऐड करना, ये पहले से यहाँ ऐड है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन यूज लेटेस्ट नंबर्स एंड पीरियड्स। आप इसमें नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेटर्स भी यूज कर सकते हैं और कुछ डॉट्स वगैरह स्पेशल करेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब तक अपने नाम को यूनिक नहीं करेंगे तब तक आपके नाम का ईमेल आईडी बनना मुश्किल होगा। कारण यह है कि आपके सिंपल नाम से लाखों हजारों लोगों ने पहले ही ईमेल आईडी बना रखा है। वो लाइट कटी है सूरज, जिसका यूज नहीं हो डेस्कटॉप शटडाउन करा दीजिए। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है और पासवर्ड कंफर्म करना है। तो कह क्या रहा है, यूज एट आर मोर करेक्टर्स विद द मिक्स ऑफ द लेटेस्ट नंबर एंड सिंबल्स। आप यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी पासवर्ड सेट करेंगे तो उसको मिक्स लेटर्स में बनाइए, कैपिटल स्मॉल यानी लोअर अपर हो, उसमें नंबर्स हो, उसमें सिंबल्स हो, उसमें और कुछ यूनिक चीज़ें डालें ताकि पासवर्ड आसानी से क्रैक ना हो सके। सो पासवर्ड करके इन दोनों को मैच करा के नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको नाम में डाल के आगे बनाना बताता हूँ। क्या नाम? राजेश्वर। ठीक है, राजेश्वर का लास्ट नाम प्रसाद है या विश्वकर्मा? चलो प्रसाद। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम अपने से डिसाइड करना है, क्योंकि यूजर नेम यूनिक होगा तभी बनेगा। अगर मैं यहाँ पे राजेश्वर डाल दूँ और आगे बढ़ूँ तो देखो यहाँ पे लिख के आएगा क्या कि दैट यूजर इज ऑलरेडी टेकन ट्राई एंड अदर। यहाँ पे इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है तो कह रहा है कि अगर आप प्रसाद राजेश्वर 076 करें तो बन जाएगा। चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है तो पासवर्ड आपको मिक्स करके एक यूज करना है। फिलहाल यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी पासवर्ड इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, आप इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके नाम से मैं बना दे रहा हूँ अभी, फिलहाल मैं एक सिंपल पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। दोनों पासवर्ड डाल के हम यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आगे का स्टेप खुलेगा और आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मोबाइल नंबर बता दीजिए आप। दे देना है, देने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी टाइप करेंगे। ओटीपी बताइए। हाँ, डाल के वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, कोड डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई यहाँ पे देखिए हो गया। अब आपसे कह रहा है कि आप कोई रिकवरी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं या नहीं। रिकवरी ईमेल का मतलब ये होता है कभी कभी आपका ईमेल क्या होता है कि वो भूल जाते हैं आप। भूल जाने के बाद आप उसे वापस खोजना चाहते हैं तो खोजने के लिए आपकी रिकवरी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, तभी आप उसको खोज पाएंगे। कभी कभी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए रिकवरी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। यहाँ पर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ ईमेल जो भी करना है, और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अर्थात आपको मोबाइल नंबर
यहाँ से शो कर रहा है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप सारे कुछ डेटा होते हैं जिन्हें आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, स्किप करेंगे सीधे एग्रीमेंट पे चला जाएगा और सीधे जाके आई एग्री आप करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने ईमेल आईडी में लॉगिन होना शुरू हो जाएंगे जो आपने बनाया है। तो मैं यहाँ लोड बेसिक एचटीएमएल मोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ, इससे क्या होगा कि जो आपका स्क्रीन है वो ज़्यादा प्रॉपर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ टेक है लेटेस्ट ईमेल एचटीएमएल, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। फिर से मैंने यहाँ बेसिक में बेसिक लोड पे क्लिक कर दिया है। अब आपका देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के आ गया, ठीक है, ईमेल आईडी लिख के आ गया। और ईमेल के साथ साथ कंपोज मेल, इनबॉक्स, स्टार्ड, सेंट मेल, ड्रॉप्ड, ऑल मेल, स्पैम और बिन, ये लिख के आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो कंपनी से आपको एक वेलकम लेटर आता है। क्या लेटर आया है आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है कि हाय राजेश्वर, वेलकम टू गूगल, यू न्यू अकाउंट कम्स विद द एक्सेस टू गूगल प्रोडक्ट्स ऐप द सर्विसेज, हियर आर फ्यू टिप्स टू गेट द स्टार्टेड। कुछ टिप्स आप लेके और अपने ईमेल आईडी पे काम कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी पूरी तरह से रेडी है। अब ईमेल बनाने के बाद लॉगिन हो गया, आपने इसको लॉगिन अभी किया नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मेल आईडी बना लेते हैं, लॉगिन हो जाते हैं, तो आप किसी को मेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो मेल भेजने के लिए आपके यहाँ कंपोज मेल या राइट मेल दो ऑप्शन आता है, तो इस पे आपको करना है कंपोज मेल। जैसे कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे आपसे कहेगा सेंड सेव ड्रॉप्ड एंड डिस्कार्ड टू मेल। टू मेल मतलब जिसे भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी लिखो, तो जिसे भेजना चाहते हैं यहाँ पे आपको उसका ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पे आपको सीसी यानी इसको कहते हैं कार्बन कॉपी, अगर उसी ईमेल आईडी का डेटा, उसी ईमेल आईडी को आप किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या कर देंगे, उसी ईमेल आईडी को भी डाल देंगे। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर आप उसी डेटा को किसी थर्ड ईमेल पे भी भेजना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे। सब्जेक्ट मतलब किस मुद्दे पे, किस सब्जेक्ट पे आप डेटा ईमेल भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट डाल देंगे। ब्राउजर यानी अटैचमेंट, अगर आप अपने मेल के साथ कोई फोटो ऑडियो वीडियो भी भेजना चाहे तो आप यहाँ से अटैच करके उसको भी भेज सकते हैं। ये मैसेज बॉडी है जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ डेटा टाइप कर सकते हैं, हेलो हाय करके, छोटे मोटे रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा जगह इसमें होता नहीं है। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखने के बाद कामा लगा के आप एक से अधिक ईमेल आईडी भी टाइप करके एक ही बार में अनेकों लोगों को मेल भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक मेल भेजता हूँ, ईमेल आईडी लिखने के बाद सब्जेक्ट इंटरनेट, आप ब्राउज पे जाके आप क्या भेजना चाहते हो, ठीक है, जो कुछ आप भेजना चाहते हो आप यहाँ से ले। तो चलो मैं चला जाता हूँ, देखता हूँ। मेरा ही फोटो है, ठीक है, लेकिन काफ़ी बड़ा फोटो है तो मुझे बड़ा नहीं डालना है, समय लेगा, जितना बड़ा आप डालेंगे उतना समय लगेगा। ये मेरा लोगो है, ये ले लेता हूँ, इसको मैंने जो है अटैच कर दिया। अगर आप मोर अटैच करेंगे तो आपके पास आओ दसों अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा, डन कर देंगे तो यहाँ पे कंप्लीट। अब इतना करने के बाद अगर सेव ड्राफ्ट कर देंगे तो आपका ईमेल सेव हो जाएगा, बाद में भेज सकते हैं। अगर डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर देंगे तो इसी जगह ईमेल का ये डेटा ख़त्म हो जाएगा, और सेंड कर देंगे तो इसी वक्त ये ईमेल आईडी आपको किसी जिसको भेजेंगे उसको चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ मैसेज आएगा, योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, आपका ईमेल आईडी क्या हुआ गया। जब आप किसी को मेल भेज देते हैं तो आपका काम होता है अब अपने ईमेल आईडी को साइन आउट कर देना। अगर आप साइन आउट नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति मात्र इस gmail.com लिखेगा तो आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी, ये बात ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे साइन आउट है, अब मुझे दूसरा लॉगिन करना है चेक करने के लिए कि जो आपने ईमेल भेजा वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो यहाँ यूज एन अदर अकाउंट पे क्लिक करके उस ईमेल आईडी को और नेक्स्ट करके उसका पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड आपको टाइप करना है।
पासवर्ड डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आप ईमेल आईडी लॉगिन करना भी देख लिए, सिर्फ अपना आईडी और पासवर्ड डाल के आप ईमेल आईडी में लॉगिन हो सकते हैं। अब जैसे मैं लॉगिन होऊंगा तो आप देखेंगे आपके द्वारा भेजा गया ईमेल हमें मिल जाएगा इनबॉक्स के अंदर। अब देखो इनबॉक्स में हमारे इस समय 8728 मेल हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपका मेल आ रहा है राजेश्वर प्रसाद के द्वारा, इंटरनेट सब्जेक्ट है और इसमें कुछ डेटा अटैचमेंट है। अटैचमेंट रहेगा तो ऐसा सिंबल आएगा, नहीं कुछ अटैचमेंट रहेगा तो सिंपल सिंबल आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दें, कहीं भी चाहे यहाँ इसमें से कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये ईमेल आपका ओपन हो जाएगा और आप इसमें जो कुछ भेजा गया उसे चेक कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। समझ में ईमेल आईडी कैसे आप चेक करते हैं ये देखा, कैसे लॉगिन करते हैं ये देखा, ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपका जब भी कोई भेजता है तो वो इनबॉक्स में ही आता है। अगर हमारे पास बहुत फालतू ईमेल आईडी आए हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम उस तरह के ईमेल आईडी को इस तरीके से टिक मारते हुए आप उस ईमेल आईडी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दें। तो जब आप कोई भी ईमेल आईडी डिलीट करते हैं तो अब वो ईमेल आईडी आपका देखो कहाँ चला गया, मूव टू ट्रैश, कहाँ चला गया, ट्रैश में। आपका पूरी तरह से डिलीट ना हो फिर किस में आ जाता है, ट्रैश में आ जाता है। अगर वो ट्रैश से डिलीट करते हैं तब परमानेंटली आपका क्या होता है, डिलीट होता है। ये आपका महीनों इंतज़ार करेगा, एक महीने के बाद अपने आप यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। स्पैम मेल क्या होता है, कभी कभी कंपनी से कोई मेल आता है तो वो आपको इनबॉक्स में नहीं शो होता है। ऐसे मेल हमेशा किस में आते हैं, ऐसे मेल हमेशा आपको स्पैम में आते हैं। जैसे HDFC एयरगो का आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे रेन्यू वाई का आया है, डेल का आया है, श्री राम जनरल इंश्योरेंस का आया है। तो ये सब कंपनी के जो हैं ईमेल आईडी हैं, ये हमारे इनबॉक्स में नहीं बल्कि स्पैम में आ रहे हैं। आल मेल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मेल होंगे सब एक साथ शो हो जाएंगे आपके इस लिस्ट में आल मेल पे। और आप ड्राफ्ट करेंगे तो जो मेल आप नहीं भेजे हैं, ड्रॉप हो चुका है, वो उसकी सूची में है। सेंट मेल में जो मेल आप भेज देंगे उसकी लिस्ट है। स्टार्ट मेल जिसको स्टार लगा देंगे वो दिखाई देगा, इनबॉक्स मालूम है, कंपोज आपको हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। तो आप ईमेल आईडी को डिलीट, ईमेल आप आया है उसे डिलीट भी कैसे कर सकते हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया। आप मूव टू इनबॉक्स भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिलीट होकर चला गया है ट्रैश में तो वहाँ से रिटर्न मूव टू इनबॉक्स करके वापस भी आ सकते हैं। रिफ्रेश कर देंगे, कुछ ईमेल आईडी नहीं दिख रहा है तो वो भी आपको दिखाई दे सकता है। अब आपने अपना ईमेल आईडी चेक कर लिया, डेटा चेक कर लिया। अब आप देखो यहाँ से जैसे जैसे नेक्स्ट करेंगे, एक बार में 50 ईमेल आपको शो हो रहा है, एक बार में कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब यहाँ से आप भी अपना ईमेल चेक कर लिए तो आप भी क्या कर देंगे, साइन आउट कर देंगे, ईमेल आईडी से आप भी अपने बाहर चले जाएंगे। तो ये है आपका कंप्लीट ईमेल आईडी बनाना, ईमेल भेजना, ईमेल चेक करना, ईमेल लॉगिन करना, ईमेल डिलीट करना, ईमेल ट्रैश, इनबॉक्स, बाकी जो सेटिंग्स कंपोज वगैरह सब आपने देखा। क्लियर है, ईमेल आईडी का कंप्लीट आपका वीडियो फाइनल होगा।